इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडर ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार राय साल 2020-21 सरदार यासर इलियास खान की जानिब से अपने फाउंडर ग्रुप के सीनियर और वोटर्स के एजाज़ में दिया जाने वाला इशाइया एक तारीखी इजमा बन गया, जिसमें 3,000 से जायद चैम्बर मेंबरान जिनमें हर तरह के कारोबार से मुंसलिक अफराद शामिल थे। जो आज हमने इवेंट किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है एजाज़ में हमारे सब फाउंडर मेंबर्स के, हमारे जितने एएम के मेंबर्स हैं, सीएम के मेंबर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के कैंडिडेट्स हैं, और हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तहे दिल से। जो लोग यहाँ पे आए, ये जितने आपको लोग नजर आ रहे हैं, इनका प्यार है, ये इनकी यूनिटी है, ये इनका बिलीफ है कि आगे जो चैम्बर है इन लोगों के लिए काम करेगा, पहले भी करता रहा और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। तकरीब में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास खान समेत अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जिम्मेदारान के अलावा, बिल्डर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान के अलावा, शहर के दीगर मुअज्जिज़ीन की एक बड़ी तादाद भी शरीक रही। नामजद सदारती उम्मीदवार सरदार यासर इलियास खान ने हज़ारों अफराद के इस इज्तिमा से बेहतरीन अंदाज में अपने ग्रुप की सबका कामयाबियों और मुस्तकबिल की पॉलिसियों के बारे में ब्रीफिंग दी। यासर इलियास खान ने वोटर्स और सपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि वो अपनी पूरी मुद्दत के दौरान सबका रवायात के मुताबिक चैम्बर अराकीन के मसाइल हल कराने के लिए दस्तियाब होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जी कि इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर कर सकें। मोटिव हमारे यही है कि कुछ टैक्सेस के मामले में मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, टैक्सेस के मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इजी टैक्सेस हम इंट्रोड्यूस कराएं यहाँ पर चैम्बर में। मेरे ये मिशन से मैं जी कॉर्पोरेट क्लास के लिए कैंडिडेट हूँ। फाउंडर ग्रुप की तरफ से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2021 के लिए इलेक्शन हो रहा है और हमने डोर टू डोर कैंपेन की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि फाउंडर ग्रुप जो है पहले की तरह इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगा, हमारा पूरा पैनल कामयाबी हासिल करेगा और हम इस्लामाबाद और शहर के लिए और चैम्बर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तकरीब में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदर ने भी खिताब किया और चैम्बर के प्लेटफार्म से किए जाने वाले नुमाया काम को सामने लाया। तकरीब में फाउंडर ग्रुप के बानी इमरान और अहदेदारान के अलावा चैम्बर अराकीन सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की, जबकि सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज की मौजूदा कामयाबी से चलने वाले मनसूबाजात और मुस्तकबिल करीब में नए मुकम्मल होने वाले मनसूबे के बारे में भी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। कॉर्पोरेट क्लास के लिए इस्लामाबाद चैम्बर से फाउंडर ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं और हम बड़े उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 19 सितंबर को अल्लाह के हुक्म से हम क्लीन स्वीप करेंगे। बड़ी उम्मीद है हमारे सीनियर्स की, बड़ी हमारे साथ उनकी एफर्ट्स हैं। अभी हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है जो ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो चुकी है। हमारे वोटर्स बहुत लॉयल हैं, हमारा उनके साथ डोर टू डोर इंटरेक्शन हुआ है और वी आर वेरी होपफुल इंशाल्लाह हमारी जीत यकीनी है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आमदा इंतखाबात के लिए फाउंडर ग्रुप की जानिब से सरदार यासर इलियास खान को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि दीगर 12 अरकान को भी स्टेज पर बुलाकर उनका तारफ करवाया गया। इस मौके पर सरदार यासर इलियास ने अपने कारोबारी ग्रुप के बारे में तफसीलात सामने लाई, जबकि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आमदा इंतखाबात के लिए साबिक अहदेदारान और मौजूदा मुंतखब अराकीन के लिए भी अपने इंतखाबी मंशूर पर तबादला ख्याल किया और चैम्बर मेंबरान को इस्लामाबाद में कारोबारी दुश्वारियों और उनके हल के लिए मुजवजा इकदाम से आगाह किया।